शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपको चार तरह की मिठाई बनाना बता रही हूँ। यह है चमचम, यह है गुलाब जामुन, यह है मलाई लड्डू और कलाकंद, जो सभी को पसंद है। और आधा घंटा तैयार करने में लग जाता है और आधा घंटा बनाने में, टोटल एक घंटा इसमें लग जाएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए साथ में। फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले दिवाली की शुभकामनाएं। और ये ड्राई फ्रूट की शॉपिंग है, ये पिस्ता है, मेरे बच्चे को पिस्ता बहुत पसंद है। तो ये ग्रोफर की ऑनलाइन शॉपिंग की थी। काजू है, ये बादाम है, अखरोट है, ये किशमिश है और एक पैकेट खोल लिया है। आज हम बताते हैं मावा की मिठाई, मावा छेने की मिठाई, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधे किलो दूध है, ये मैंने फुल क्रीम दूध है, और ये मलाई वाला दूध है अलग से, 250 ग्राम के करीब होगा, एवरेज है ये। और ये 1 किलो चीनी है, ये आधे किलो मावा है, और 250 ग्राम के करीब पनीर होगा। लम समय कम ज़्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आज छेना और मावा की स्वीट्स बनाते हैं। पहले हम छेना को उसको ग्रेट कर लेंगे और दूध का छेना बना लेंगे। और क्या क्या मिठाई बनाऊंगी पहले मैं आपको सेपरेट करके बता दूंगी। एक तो गुलाब जामुन बनेंगे, एक छेना स्वीट्स बनेगी, एक मलाई लड्डू बनेगा और एक कलाकंद बनेगा। चार मिठाई तो ये है। और कोई वीडियो के दौरान कोई रिक्वेस्ट आ जाती है मेरे पास घर में कि ये भी बना लो, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा दूंगी। चलिए उसको मावा को ग्रेट कर लेते हैं। ये सॉफ्ट है, मैं हाथ से कर लेती हूँ क्योंकि जहाँ से हम लेते हैं मावा बहुत बढ़िया होता है और ताजी बनता है। सबसे पहले मैं इसको छेना को बना लूँगी और शुगर सिरप रखती हूँ बनाने के लिए, और थोड़ा सा शुगर इसमें से पिसा हुआ चाहिए मुझे, और बाकी का ये सिरप बन जाएगा। वीडियो में साथ में बने रहिएगा और कैसे कैसे क्या बनाते हो और कौन सी चीज़ पहले बनानी है बाद में बनानी है ताकि वेस्टेज ना हो। दूध बॉइल हो गया, इसका हम छेना बना लेते हैं। एक गैस पर चाशनी रेडी हो रही है। ये हमारी शुगर मेल्ट हो गई है। रसगुल्ले और गुलाब जामुन दोनों के लिए शुगर सिरप चाहिए, तो इसलिए मैंने एक साथ ही बना लिए। अभी छेना रेडी है, इसकी हम छेना की स्वीट बनाएंगे। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी, हाथ से मलने में थोड़ा टाइम लगता है। छेना मिक्सी में कर लिया है, अब हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। से 12 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है और ये सारे रसगुल्ले ऊपर आ जाएंगे। रसगुल्ले रेडी है, बाहर निकाल लेते हैं इनको। गुल्ले निकाल लिए, अब ये चाशनी हमारी गुलाब जामुन के काम आएगी। अब उस रसगुल्ले के हम बनाएंगे चमचम। यही ठंडा हो गया, ये थोड़ा सा मैंने केसर का दूध बना लिया था और थोड़ा मावा, इसमें केसर का दूध हम डाल देंगे और थोड़ी सी शुगर डाल देंगे हम, जितना मीठा आप पसंद करें। और इसको ये ठंडे हो गए, इसको बीच में से हम कट कर लेंगे। ये हमारी रेडी हो गई चमचम। अब चलते हैं गुलाब जामुन की तरफ। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको रेसिपी डाली हुई है गुलाब जामुन की। तो ये पनीर है और ये मैदा है और मावा है, इन सबको मसल लेंगे। अगर हमें लगता है कि बाइंडिंग कम है या टाइट है तो हल्का सा दूध डालेंगे। अभी मैं
ऐसे ही मसल ली, क्योंकि मेरा मावा सॉफ्ट है और पनीर भी सॉफ्ट है। अगर हार्ड होता है तो हमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छेना लेते हैं तो फिर ऐसे ही बन जाते हैं बिना किसी दूध डाले। थोड़ा सा दूध मैं इसी में से ले लेती हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा गुलाब जामुन या मीठा कोई भी हो हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। ज़्यादा नहीं लगता है घी, बहुत कम घी में ये बन जाती है। यहाँ मैंने ले लिया कढ़ाई, इसमें मलाई डाल ली है और इसको उबाल लेंगे अच्छे से। जो मलाई का दूध था वो मैंने डाल लिया। जब मलाई लड्डू बना रहे हैं तो मलाई तो बनती है ना, तो इसलिए मैंने मलाई वाला दूध लिया है 250 ग्राम। थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे। मलाई का दूध गाढ़ा हो गया, इसमें हम छेना डाल देंगे। ये छेना मैंने पहले का बनाया हुआ था। जो मलाई का हमने जो दूध लिया था उसका तो बन जाता है मावा, और इसको हम ड्राई कर लेंगे। इसमें अभी चीनी वीनी हमने कुछ नहीं डाली है, लड्डू में हमेशा चीनी बाद में डलती है, वो भी पिसी हुई। तो मलाई का, बढ़िया मलाई का दूध लेने से और एक्स्ट्रा मलाई डालने से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसीलिए इसको मलाई लड्डू कहा गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसमें हम पिसी हुई शक्कर पूरा मिलाएंगे। ये हो गई हमारी तीसरी मिठाई। ठंडा होने के बाद मैं इसको दिखाती हूँ आपको। अब बारी आती है कलाकंद की। इंस्टेंट मिठाई है सब और बहुत जल्दी बन जाती है। अब यहाँ हमने ले लिया मावा इंस्टेंट कलाकंद बनाने के लिए, और थोड़ा हम डालेंगे पनीर, और पनीर को क्रम्बल करके हम इसमें डाल देंगे, और इसी में डाल देंगे हम ये चीनी जो हमने बचाई थी कलाकंद के लिए। इन सबको मिक्स करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। शुगर हमारी मेल्ट हो गई है, बस कढ़ाई छोड़ने लगेगी तो ये हमारा कलाकंद का पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसको हम जमा देंगे। चारों मिठाइयाँ बनाने में आधा घंटा लग गया, आधा घंटा प्रिपरेशन में, टोटल 1 घंटा मुझे लग गया। जमा दिया मैंने, और इसमें मैं, ये ठंडा हो गया हमारा मलाई लड्डू का, इसमें हम शक्कर मिला देंगे और इन सब मिठाइयों को करेंगे हम पिस्ता से गार्निश। कलाकंद कट कर देते हैं हम, इसके मिक्स करके हम बना लेते हैं लड्डू। इसकी ये थोड़ा सा जूसी होता है, ये दूध की टाइप से ये इसकी पहचान है। बढ़िया मलाई लड्डू बनने का इसमें दूध टाइप से निकलता है। ठंडा होने पर ही इसमें हमें शुगर मिलानी है पीस करके, और साइज इसके अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, और इस पर पिस्ता लग जाएगा और बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मिठाई बनती है।